हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जो है CGPSE के जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसका 1 जनवरी 2024 से जो कि फॉर्म भरना जो कि स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन आई थिंक जो है आपको आप देख लिए होंगे, तो 1 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और बढ़िया तरीके से जो है सिलेबस मैं अपलोड कर दी हूँ। तो सिलेबस जो है आपके पुराने पैटर्न में जो है उसको बताया गया है, नया जैसे आता है तो उसको मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, तो आपको जो तैयारी उसको बढ़िया करते रहिए। साथ ही साथ आपको जो है फिजिकल के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिजिकल और आपको जो तैयारी है साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा। उसी पे बेस जो है आपके छत्तीसगढ़ के जो प्रीवियस ईयर 2018 का जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा, यहाँ से जो है आपका कहाँ से कितना क्वेश्चन जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो है एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से है, करंट अफेयर से यहाँ पे, और देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आपका छत्तीसगढ़ 2018 का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आपको तैयारी करने में बहुत ही जो है यहाँ पे आसानी होगी तैयारी करने में, इसलिए प्रीवियस ईयर को लगभग समझना बहुत ज़रूरी, कोई भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो लगभग 100 क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा है हम क्वेश्चन करते करते यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। व्यापन जो आंसर लिया है वही आंसर जो है आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर जो पुलिस के जो पूछा गया था 2018 में, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा चोटी, मैनपाट, बदरगढ़ या आपका नंदीराज। तो इसका जो व्यापम जो है आंसर इसका लिया था आपका गौरलाटा चोरी। याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गौरलाटा। अगर देखेंगे तो 1225 मीटर जो है इसकी ऊँचाई है। आपके सामरीपाट बलरामपुर में जो है आपका स्थित है ये आपका जो चोटी है जो पहाड़ी है ये आपका कहाँ पे है? बलरामपुर जिले में सामरीपाट में आपका स्थित है। तो लगभग 1225 मीटर इसके ऊंचाई है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो बदरगढ़ है, बदरगढ़ लगभग 1176 मीटर इसके ऊंचाई है। कहाँ पे है? मैकलसैंडी कवर्धा में आपका जो है PSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैकलसैंडी कवर्धा में आपका बदरगढ़ का चोटी है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो नंदीराज जो है यहाँ पे 1210 मीटर जिसकी ऊंचाई है, कहाँ पे है? बायलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है चोटी, इसको याद रखिए। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं यहाँ पे कवर करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे जो है आपको छत्तीसगढ़ GS में इस सबको पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है इसको। लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, मतलब कौन से भाग में कौन सी मिट्टी? यहाँ पे जो लाल दोमट मिट्टी है यहाँ पे जो है सुमेलित करना है यहाँ पे जो है, तो ये आपका जो है लाल दोमट मिट्टी आपके मध्य भाग में पाई जाती है, और तो इसको सुमेलित करेंगे। लाल दोमट मिट्टी जो है आपका दक्षिण पूर्व भाग में आपका पाया जाता है, और आपका जो काली मिट्टी है जो है आपका मध्य भाग में पाया जाता है, और जो है आपका लेटराइट मिट्टी आपके दक्षिणी भाग में, और जो है आपका जो है लाल रेतीली मिट्टी आपका ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपका पाया जाता है। 1, 2, 4, 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका व्यापम जो है आंसर लिया, 1, 2, 4, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको कहा जाता है जी? शिवरी नारायण, नांदघाट, राजिम या दुर्ग को? तो आपको सभी को पता होगा राजिम जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, और जो है आपका जो है जो राजिम को है यहाँ पे जो है इसको जो कहाँ पे है गरियाबंद जिले के अंतर्गत ही आपका राजिम स्थित है, जहाँ पे आपका महानदी पैरी और सोंढूर नदी के जो है आपके संगम पे जो है राजिम शहर यहाँ पे बसा हुआ है। यहाँ पे जो है माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला का आयोजन होता है, जो कि कुंभ मेले के इसको संज्ञा दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। और बहुत सारे लोमस ऋषि सौ यहाँ पे आश्रम ये सब वगैरह यहाँ पे मंदिर वगैरह यहाँ पे बना है। तो जो राजीव लोचन मंदिर यहाँ कहाँ है? राजीव लोचन मंदिर आपका राजिम में स्थित है, जिसके निर्माणकर्ता कौन है? तो विलासतुंग नलवंशी शासक के द्वारा इसको तैयार करवाया गया था। बाकी जो है छत्तीसगढ़ के जो है पर्यटन स्थल पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है छत्तीसगढ़ को। बाकी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? बोराई, ईब, हाफ या जोक नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इब नदी है, इब नदी में कहा जाता है जो प्राकृतिक स्वर्ण कड़ों मतलब जो सोने के जो कड़ यहाँ पे जो कहा इब नदी में, यहाँ के लोगों को कहना है जो है आपका, यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे जो सोने के जो है कड़ यहाँ पे जो इस सोना यहाँ से प्राप्ति आपका होती है इब नदी से, मतलब यहाँ के द्वारा के मतलब यहाँ के लोग जो है यहाँ का जो आसपास जो रहते हैं इन लोग को कहना है यहाँ पे जो सोने की कड़ी जो है यहाँ से रेत से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, बादलखोल, उदंती, पामेड़ या तमोर पिंगला। ये जो क्वेश्चन का आंसर जो व्यापम द्वारा लिया गया था, तमोर पिंगला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जो अभयारण्य कौन सा है, तमोर पिंगला होगा। तमोर पिंगला जो है आपका कहाँ पर है, सूरजपुर जिला में स्थित है और लगभग ये आपका 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अभयारण्य आपका तमोर पिंगला है, तो इसको याद रखिए। बाकी जो छत्तीसगढ़ के जो जो सामान्य अध्ययन को पूरा डिटेल के साथ जो है अभयारण्य को जितने भी राष्ट्रीय उद्यान इसको पढ़ाया हुआ है, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किम्बरलाइट, ये आपका लॉ है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपके खनिज से। किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है, हीरा के लिए, बॉक्साइट के लिए, लवहस के लिए या आपका कोयला के लिए। तो किम्बरलाइट जो जो आपका जो खदान से आपका जो है ये आपका हीरा की यहाँ पे प्राप्ति होती है, किम्बरलाइट जो है आपका हीरा के लिए इसको जानी जाती है। तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ खनिजों के बारे में मैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा जो कथन यहाँ पे सत्य नहीं है बोला जा रहा है, यहाँ पे कौन सा सत्य कथन नहीं है ऐसे आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ में विद्युत उपयोग की दृष्टि से अग्रणी जिला आपका रायपुर है। राज्य का कुल विद्युत उत्पादन लगभग 90% ताप से प्राप्त होता है। राज्य विद्युत मंडल का जो गठन सन 2000 में किया गया था। विद्युत उपयोग की दृष्टि से पिछड़ा जिला आपका दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है उसको बताना है। तो इसका जो व्यापम द्वारा ए ऑप्शन लिया गया था, छत्तीसगढ़ विद्युत उपयोग की दृष्टि से आपका जो अग्रणी जिला आपका रायपुर नहीं, आपका जो कथन असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं है। बाकी जो है राज्य कुल विद्युत उत्पादन का 90% ताप से प्राप्त होता है और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, राज्य विद्युत मंडल का जो गठन सन 2000 में किया गया था, विद्युत उपयोग की दृष्टि से आपका पिछला जिला आपका जो है दंतेवाड़ा है। तो इसको याद रखिए, यहाँ पे जो है कौन सा सत्य नहीं उसको, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भूतापी विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है, रायगढ़ में, कोरिया में, बलरामपुर में या सरगुजा में। तो याद रखिए, भूतापी जो विद्युत संयंत्र है आपके हमारे जो है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में, यहाँ पे भूतापी विद्युत संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसका जो है व्यापम द्वारा जो है आपका बलरामपुर इसका आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे नौवां क्वेश्चन, राज्य में आईटी जिसको हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के लिए किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना किया गया है, राजनांदगांव में, बिलासपुर में, रायपुर में या आपका दुर्ग जिले। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्ग जिले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, दुर्ग जिले में आपका जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना यहाँ पर किया गया है। इसका जो डी जो है आपका ऑप्शन व्यापम द्वारा आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के प्रथम रोमेल्टा जो रोमेल्ट तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ पे की गई है, दंतेवाड़ा में, रायपुर में, दुर्ग में या आपके बस्तर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, प्रथम जो रोमेल्ट तकनीक उद्योग की जो स्थापना यहाँ पे बस्तर में यहाँ पे स्थापना यहाँ पे किया गया, जो कि विश्व के प्रथम रोमेल्ट तकनीक है। तो इसको याद रखिए, बस्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस त्यौहार में राउत लोगों के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है, मातर या आपका मतार है लेकिन ये आपका मातर त्यौहार है, हरितालिका, गौरा या नवाखाई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका मातर त्यौहार है, सभी को पता होगा मातर जो त्यौहार है कौन से जनजाति में मनाई जाती है, ये भी आपके पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखें, राउत जनजाति में, यादव जो लोग होते हैं इन जनजाति में मातर त्यौहार मनाते हैं, और इसी त्यौहार में तो राउत लोगों के द्वारा खासकर यहाँ पे अलग अलग वेशभूषा पहने रहते हैं, पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं, ऐसे में जो लाठी वगैरह के यहाँ पे नृत्य इन लोग करते हैं, जिसको मातर त्यौहार बोलते हैं। ये आपका यादव राउत जनजातियों में ये देखने को मिलती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है जो मुरिया जनजाति का है या मुरिया जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, गौर नृत्य, पंथी नृत्य, परवा या आपका ककसार नृत्य। इसका जो व्यापम द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था। याद रखिए जो ककसार जो नृत्य है, क्योंकि कौन से जनजाति या आपका जो नृत्य है ककसार नृत्य, मुरिया जनजाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है या मुरिया या मुरिया, ऑप्शन में दो मुरिया या तो मुरिया रहेगा तो ऑप्शन लगा सकते हैं यहाँ पे। जो आपका ये जो है खास करके घोटुली वगैरह के देवता जो लिंगोपेन पे जो आराधना के लिए जो है मुरिया जनजाति में देखने को मिलते हैं ककसार नृत्य, जिसको याद रखें मुरिया जनजाति में अपने खास करके जीवन साथी के इसमें चुनाव किया जाता है। तो इसको याद रखिए जो ककसार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर में यहाँ पे मतलब एक तरह का जीवन साथी मतलब एक तरह का विवाह होता समझ जाते हैं, कौन से जनजाति में, मुरिया या मुरिया जनजाति में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या कितनी है, 3, 6, 5 या 4। तो इसका जो व्यापम जो है इसका जो व्यापम द्वारा आंसर या आपका सी ऑप्शन लिया गया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा हेतु सदस्यों की संख्या यहाँ पे 5 इसका आंसर लिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो प्रदेश में वित्त मंत्री उस समय 2018 पेपर था, तो श्री बिजमोहन अग्रवाल, श्री राजेश मूनत, डॉक्टर रमन सिंह या श्री अमर अग्रवाल। इसका जो व्यापम जो है द्वारा इसका जो आंसर राज्य के वित्त मंत्री कौन थे, तो उस समय जो है डॉक्टर रमन सिंह जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री थे। तो इसका व्यापम सी ऑप्शन लिया गया, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के कौन सा जो शहर देश का पहला शहर बन गया जिसका यहाँ पे अब अपना एक एंथम है, रायपुर, कोरबा, भिलाई या बिलासपुर। तो ये भी आपका जो है करंट पेज का जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भिलाई, इसका व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था। तो आपका जो भिलाई शहर देश का पहला शहर बने जिसका अपना खुद का एंथम है, पहला एंथम है, तो भिलाई शहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट में जो कंटेस्ट हुआ था 2018 में, फेमिना मिस छत्तीसगढ़ के खिताब किसने जीता था, प्रीति अग्रवाल ने, निहारिका जैन ने, पी स्पंदना नायडू ने, जाके रूपाली मिश्रा ने। इसका जो व्यापम द्वारा आंसर सी ऑप्शन लिया गया, तो उस समय 2018 में जो फेमिना मिस जो है फेमिना जो मिस इंडिया में 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ के जो खिताब जो जो आपका स्पंदना नायडू ने जीती थी। तो आपका जो 2023 के बढ़िया करंट अफेयर्स को रेडी कर लिया, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका छत्तीसगढ़ सामान्य धन और आपका करंट अफेयर्स का था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया है, साहित्य, अर्थशास्त्र, समाज सेवा या आपका सिनेमा के क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा किशोर साहू सम्मान जो हमारे छत्तीसगढ़ में हर साल यहाँ पे जो अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे, तो किशोर साहू सम्मान जो कौन से क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया है, तो याद रखिए सिनेमा के क्षेत्र में, यहाँ पे सिनेमा के क्षेत्र में जो है किशोर साहू सम्मान या आपका पुरस्कार हर साल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे दिया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संयम शुक्ला किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। तो संयम शुक्ला जो है हमारे छत्तीसगढ़ के किस खेल से जुड़े हुए हैं, हैंडबॉल, लाल टेनिस, बैडमिंटन या आपका वॉलीबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिए संयम शुक्ला आपका जो है बैडमिंटन खेल से आपका संबंधित है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उससे आपका संयम शुक्ला आपका बैडमिंटन प्लेयर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 18वें क्रम के जो एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, 7वां, 10वां, 9वां या 8वां। तो ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन था 2018 का। तो जो है 18वें एशियाई खेल में भारत जो है टोटल यहाँ पे जो है भारत पदक तालिका में 18वां स्थान जो है हमारा इंडिया का रहा था, तो इसको याद रखिए। तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वें एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित होंगे, जापान, चाइना, सऊदी अरब या आपका दक्षिण कोरिया। तो इसका जो आंसर जो लिया गया था व्यापम के द्वारा, तो 2022 में जो 19वें क्रम के जो एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित होगा, तो आपके चाइना में आयोजन हुआ था 2022 में, तो इसको याद रखिए यहाँ पे।
तो ये थे आपके जो है 20 क्वेश्चन जो आपके छत्तीसगढ़ के जो पुलिस में 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स वगैरह पूरा बढ़िया से रेडी कीजिएगा, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका उसी का है। और यहाँ पे चलिए जो अगले पार्ट है, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले पार्ट में जो है हम सेकेंड पार्ट 21 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। जैसे सेशन ख़त्म होता है पूरा सब क्वेश्चन PDF इसको मैं टेलीग्राम में यहाँ पे डाल दूंगा, तो उसको बढ़िया आप जाके खुद से देखिएगा और बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए थैंक यू।